नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है रिबेल, मास्टर प्लान्स, लेजेंडरी अलाइज और इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन इन सबके साथ एक सवाल भी दिमाग में आता है कि क्या सच में नेताजी की मौत एक प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी? अगर इसका जवाब हाँ में है तो प्लेन क्रैश होने के कोई सबूत क्यों नहीं मिलते? प्लेन क्रैश होने के बाद हॉस्पिटल में नेताजी की कोई भी फोटोग्राफ क्यों नहीं मिलती? यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। चलिए मान लेते हैं नेताजी बड़े आदमी थे, गड़बड़ी में ये सब रह गया होगा, लेकिन फिर भी एक केस के दौरान इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कहती है कि मौत से पहले नेताजी प्रोबेबली रशिया में थे? जब मल्टीपल कमीशन और कमेटी बनाई गई थी तो उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक में रिलीज क्यों नहीं की गई? क्यों इंडियन गवर्नमेंट 100 से भी ज्यादा ऐसी फाइल्स दबाकर बैठी है जिनमें सिर्फ और सिर्फ नेताजी की मौत के बारे में बताया गया है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1945 में नेताजी की डेथ हो गई थी, तो आज 77 साल बाद भी जो नेताजी की अस्थियां जापान में हैं, उनका डीएनए टेस्ट करवाने से मना क्यों किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये प्लेन क्रैश सिर्फ कहानी की शुरुआत है? आज बात करते हैं एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की मौत के बारे में जिसका असली सच गद्दी पर बैठे लोग बाहर आने ही नहीं दे रहे। ये एक मिस्ट्री नहीं है पर सवाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में। सत्रह अगस्त 1945 नेताजी अपने साथी हबीबुर, देवनाथ, गुलजार, प्रीतम, अबीद और अय्यर के साथ साइगन पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें वहां से टोक्यो के लिए एक फ्लाइट लेनी थी। लेकिन नेताजी को बताया जाता है कि प्लेन में जगह नहीं है, इसलिए आपको अकेले ही टोक्यो जाना पड़ेगा, आपका कोई साथी आपके साथ नहीं आ सकता। ऑफिशियल्स को फिर यह समझाया जाता है कि अकेले जाने से नेताजी की जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए वो नेताजी के किसी एक साथी को अलाउ कर देते हैं। ये सफर साइगन से टाइहोकू, टाइहोकू से डैरन और वहां से टोक्यो पहुंचने का था, लेकिन टाइहोकू पहुंचने के पहले ही प्लेन को टॉरिन में टेक्निकल रीजंस की वजह से लैंड कराना पड़ता है। अगली सुबह 18 अगस्त 1945 के दिन जब टाइहोकू से प्लेन वापस आगे जाने के लिए उड़ान भरता है, उसके एक इंजन में आग लग जाती है। पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता और प्लेन क्रैश हो जाता है। चीफ पायलट, को पायलट और जनरल शिडेई की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। द नेमनॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में नेताजी को एडमिट किया जाता है। डॉक्टर योशिमी नेताजी का इलाज करते हैं लेकिन डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाते और 20 अगस्त 1945 को उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 7 सितंबर लगभग 17 दिनों बाद एक ऑफिसर नेताजी की अस्थियां रामा मूर्ति को सौंप देते हैं और रामा मूर्ति अस्थियों को रिनकोजी टेम्पल में रख देते हैं जो कि आज भी वही है। नेताजी की स्टोरी यहां खत्म, शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन गिने चुने कुछ सिंपल सवाल सामने आते हैं। पहला, नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? वो तो किसी ने इशू ही नहीं किया, पर क्यों? इतना बड़ा प्लेन जला, उसमें नेताजी भी जले होंगे, तो नेताजी के इंजरीज का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? उस प्लेन के जलने का कोई सबूत क्यों नहीं है? और मेरा देश महान कुछ टाइम के बाद ये कहता है कि नेताजी, उनको तो रशियंस ने पकड़ लिया होगा और जेल में ही मार डाला होगा, या फिर वो फ्रांस चले गए होंगे जहां उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली होगी, या फिर जान के दुश्मन अंग्रेज तो बैठे ही हैं, ये काम उन्हीं का हो सकता है। किसी ने ये समझने के लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं की कि अगर उनको कोई कैद करता है तो नेताजी के पास भारत के बारे में बताने जैसा बहुत कुछ है। रशिया नेताजी की स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस थी, अंग्रेजों की सबसे बड़ी फौज में हिंदुस्तानी काम किया करते थे और अपने ही भाइयों को मारा करते थे, इसीलिए नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और यहां से हमारे हिंदुस्तानी भाइयों में आजादी पाने का जोश आया था। वरना आजादी के बाद तो वैसे भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि हमें आर्मी की क्या जरूरत है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं और हमारा काम पुलिस से हो जाएगा। और अभी जिन अंग्रेजों की बात हो रही है वो खुद इतने सवालों में पड़ जाते हैं कि वो एक कमेटी बिठाते हैं नेताजी की मौत का पता लगाने के लिए। 25th of July 1946 को जॉन जी फिजर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसे रिलीज किया जाता है 2 साल बाद और उसमें लिखा था कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। अगर यही बताना था तो 2 साल क्यों लिए? दिस इज स्टिल एन अनसेटिस्फाइड आंसर टू द रेस्ट क्वेश्चंस।
तो 1956 में शाहनवाज कमेटी बैठती है। अलग अलग देशों से जैसे इंडिया, जापान, थाईलैंड और वियतनाम से 67 लोगों को इंटेरोगेट किया जाता है, जिनमें नेताजी के साथी हबीबुर और डॉक्टर योशिमी भी शामिल होते हैं। डॉक्टर और हबीबुर के स्टेटमेंट्स मैच नहीं करते, फिर भी रिपोर्ट्स में यही आता है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। कैसे? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी टैशकंत में जाते हैं और वहां उनके साथ एक ऐसा आदमी होता है जो बिल्कुल नेताजी की तरह दिखता था। फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि उसका बिहेवियर भी नेताजी से मेल खाता है। ये बात प्रूफ होती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट नील मिलर की रिपोर्ट से और खोसला कमेटी से जो 1970 में बनाई गई थी। शॉकिंग बात तो ये थी कि उस आदमी से मिलने के बाद, जिसे बाद में टैशकंत मैन कहा जाने लगा, शास्त्री जी की सस्पिशियस मौत हो जाती है। फाइनली 1999 में एक मुखर्जी कमेटी बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज M.K. मुखर्जी अकेले होते हैं। वो ये प्रूफ करते हैं कि जो अस्थियां रिंकोजी टेम्पल में रखी हैं वो नेताजी की नहीं बल्कि एक जापानीज सोल्जर इचिरो ओकुरा की है। एक बात समझ नहीं आती कि इतना होने के बावजूद गवर्नमेंट रिंकोजी टेम्पल में रखी अस्थियों का DNA वेरिफिकेशन करवाने से मना क्यों कर रही है। अनुज ढार बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं जो 22-23 सालों से सिर्फ नेताजी की मौत पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें 90s में यह पता चलता है कि नेताजी की मौत 1945 में नहीं बल्कि 1985 में हुई है, और ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि ये सीधे सीधे नेताजी की एज 40 साल से बढ़ा देता है। एक बाबा जी थे जो एग्जैक्टली नेताजी की तरह दिखते थे, उनका नाम गुमनामी बाबा बताया जाता है। ये हमेशा इंग्लिश या फिर बंगाली में बात किया करते थे। ये हमेशा एक पर्दे के पीछे बैठा करते थे। बाबा जी बात करने पर हमेशा इंडियन नेवी या आर्मी के बारे में बात किया करते थे। उनको पॉलिटिक्स से लेकर हर डिफेंस वेपन का नॉलेज था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके आदमी हर जगह पर हैं। उन्हें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर के घर पर अभी क्या बन रहा होगा। गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके घर से 24 अलग अलग बॉक्सेस मिलते हैं, जिनमें नेताजी जैसे सेम राउंड फ्रेम वाले स्पेक्स, एक बेल्जियम टाइपराइटर, इंडिपेंडेंस के पहले और बाद के न्यूज़पेपर्स, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग किताबें और कुछ फैमिली फोटो फ्रेम्स मिलती हैं। इतिहास में भी बहुत बार नेताजी ने भेस बदला है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। 1997 में मुलायम सिंह यादव भारत के डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो नेताजी की अस्थियां भारत में लाएंगे। ये सुन के कुछ लोग कोर्ट में केस कर देते हैं कि पहले ये प्रूव होना चाहिए कि जो अस्थियां भारत में आने वाली हैं वो नेताजी की ही हैं। केस के दौरान कोर्ट ये एडमिट करती है कि नेताजी की मौत एक सिंपल प्लेन क्रैश में नहीं हो सकती। जर्नलिस्ट अनुज धार को अपने रिसर्च के दौरान ये पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट में नेताजी के बारे में 33 फाइल्स हैं, जिनमें से 22 फाइल्स उनकी मौत के बारे में हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास 76 फाइल्स हैं। होम मिनिस्ट्री एडमिट करती है कि उनके पास 70,000 पेजेस हैं जो सिर्फ नेताजी के मौत के बारे में लिखे गए हैं। होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिपोर्ट्स की मांग करने पर ये कहते हैं कि फाइल्स रिलीज करने से लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, और हमारे फॉरेन रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। कहते हैं कई बार गुमनामी बाबा से ये कहा गया था कि आप दुनिया के सामने क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाहर आने से कई निर्दोष लोगों की जान भी जा सकती है। एक बार देखा जाए तो नेताजी ने कई बार कहा था कि गांधी जी जिस तरह से आजादी ला रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या अहिंसा के मार्ग पर चलने को किसी ने आजादी के बाद फॉलो किया? अंग्रेज इतना जुल्म करने के बाद एकदम से बिल्कुल शांति से भारत छोड़कर चले जाते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये मैं पूछ रहा हूं कि क्या गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में कोई डील नहीं हुई थी? नाथूराम गोडसे ने आखिर ऐसा क्या देखा था कि उन्हें गांधी जी को मारना पड़ा? क्या पार्टीशन करना इतना जरूरी था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नेताजी हमेशा इसके खिलाफ रहे, और नेहरू जी ने तो एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो बुजुर्ग हो रहे थे, उनके हाथ से वेल्थ और पावर जाने वाली थी, इसीलिए उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए। नेताजी की मौत एक मिस्ट्री नहीं है, एक सच्चाई है जो हमसे छुपाई जा रही है।
नेताजी हमारे हैं, इसलिए हमारा हक बनता है कि हमें उनकी सच्चाई का पता चले। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी यही कहता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी ऐसा लगा हो कि नेताजी और हमें पढ़ा रहे इतिहास के साथ कुछ गलत हुआ है, तो इस वीडियो को आगे तक जरूर शेयर कीजिए। आपको नेताजी के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अनुज ढार जैसे जर्नलिस्ट को आज सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हमारे सपोर्ट करने से नेताजी की सच्चाई जरूर बाहर आएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं एक और मिस्ट्री, एक और सच्चाई के साथ।